यज्ञ और हवन। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार का दिन एक बार फिर चोरों का रहा। पुलिस प्रशासन को धत्ता बताते हुए चोरों ने एक ही रात परसुडी, करंडी और बागबेरा में चार घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने की मांग को लेकर कई राजनीतिक दल और संगठनों के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वहीं चोरों ने एक तरह से खुली चुनौती देते हुए एक ही रात चार घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। पहली घटना बागबेरा की है, जहां डॉक्टर श्रद्धानंद चौबे की क्लिनिक में छप्पर तोड़कर तीन चोरों ने प्रवेश किया और कुछ नकद के साथ 12,000 रुपए के सामान चुरा लिया। मगर स्थानीय लोगों की तत्परता से क्लिनिक के अंदर घुसे शशि गोस्वामी नामक युवक को धर दबोचा गया, मगर उसके दो साथी मंगल मुंडा और रितेश मिश्रा भागने में सफल रहे। तीनों आदित्यपुर के रहने वाले हैं। शशि गोस्वामी को पुलिस के हवाले किया गया है। दुकान बंद करके जब घर गए तो हमारे सामने रहने वाले शिव पांडे जी का फोन आया कि आपके दुकान का लाइट जल रहा है, करीबन 10:15 करीब में। तो हमने कहा लाइट तो बंद कर दिया है, फिर आके देखते हैं। देखे तो लाइट जल रहा था, अंदर एक बच्चा बैठा हुआ। फिर हमने की आवाज दिया, पड़ोसी पड़ोसी लोग निकले, सब लोगों ने मिल के उस चोर को पकड़ा। फिर हमने पुलिस के हवाले उस चोर को किया। उसके पास से पुलिस ने लगभग 105 रुपए किया। वो बता रहा था कि उसके साथ में दो आदमी और भी हैं और अभी वो पुलिस के कब्जे में है। पुलिस को हमने लिख दिया बागबेरा थाना के बराबर। वहीं दूसरी घटना करंडी की है, जहां लाइन टोला में टाटा स्टील कर्मी उर्मिला सरदार के घर में घुसकर चोरों ने नकद समेत सोने व चांदी के जेवरात चुरा लिया। उर्मिला ने कहा कि उसके कुछ जरूरी कागजात भी गायब हैं। क्या क्या सामान ले गया था? 2000 रुपया और दो सिम वाला, दो ठो मोबाइल, और मोबाइल के अंदर चिप था, वहाँ पर फेंक दिया था रेल पटरी पर। रेल पटरी के पास कपड़ा उपड़ा बिखरा के फेंक दिया था। तीसरी घटना भी करंडी की ही है, जहां एसपी कॉलेज के पास सुभाष मुंडू के घर में घुसकर चार की संख्या में आए चोरों ने पहले घर में मौजूद मालती मुंडा नामक बूढ़ी महिला को कब्जे में मुंह बंद कर दिया और 15,000 से 20,000 नकद समेत सोना व चांदी के गहने, मोबाइल आदि लेते गए। आया था कोई चार आदमी था बोलता, सामान उमान भी इधर से। फिर बाद में घर गया था मेरा वहाँ, तो बाद में वो आया लाइट लेके आया। मेरा भागना बोल रहा ना कि चाबी उसको नहीं मिल रहा, तो हम लोग बोला जाओ लेके जाओ, तो चाबी वो उसी लिए मैंने लाइट देने आया। उसका बाद पता नहीं, उसका बाद 2 बजे का बाद हुआ सब, 2 बजे के आसपास। आपकी माँ के साथ क्या हुआ? वो गर्दन चिल्लाया होगा, इधर आवाज आया होगा, उसी को पकड़ लिया। गर्दन दबे था? हाँ, ये सब मुँह में दबा होगा। कितने लोग थे वो लोग? वो तो 3-4 जन था वो लोग। चौथी घटना परसुडी की है, जहां इमली गाछ के पास रघुनाथ पात्रों के घर में उस समय चोरों ने अपने इरादों को अंजाम दिया, जब घर के सभी सदस्य घर पर ही मौजूद थे और सो रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चोरों ने नशे के स्प्रे का इस्तेमाल किया है। घर से लगभग 2000 रुपयों के अलावा मोबाइल और कई सामान चोरी चले गए हैं। जब बस का कुछ छूने गया लो, छूने के बाद आवाज आई थोड़े से, तो हम जाग गए। तो मम्मी हमें चिल्लाए, फिर लोग भाग गया। क्या क्या लेके गया है घर से? घर से वही टोले लेके गए। पैसा गया है? पैसा था टोले में, ये था एक वॉच था और टाटा मोबाइल, टाटा टेलीकॉम। कितने लोग थे पूरा? अंदर में तो एक ही जन था, बाहर में पता नहीं। सुंदर हाथू छोटापुर के रहने वाली गंगा देवी के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने वाले खिलाफ पूरी बस्ती एकजुट होकर एसएसपी के पास पहुंची। एसएसपी के पास न्याय के लिए पहुंचे बस्तीवासियों ने दबंग परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर पुलिस के प्रति नाराजगी जताई। गंगा देवी का कहना है कि 9 जनवरी को उनके पड़ोसी कौशल अपने परिवार के उसके घर आकर दिन दहाड़े मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी है। घटना हुआ यही, जो अपना घर
जुड़वा रही थी, मसाला उठाने गए कौशल सिंह का बीवी और उसका मर्द जो है जो घर से जुठा उसको पेपर गिरा दिया गया। इसके लिए गंगा देवी बोली जो चाची ऐसे कह कर रहे हैं, बोला आरो हम फेंकेंगे। इसके बाद जो ज्यादा बोले हटान करके चुन्नी पकड़ के कौशल सिंह ने रोड में घिसिया करके उसको फोड़ फाड़ करके दम ले उसको मारा है बालू में घिसीट करके। उसको वो पीठ पर कोई नहीं था, जब अगल बगल वाला आदमी आया होता है कि जो आदमी आगे छुड़ाने उसको भी मारेंगे दम भर। इसकी धमकी भी दे रहा है जो उसको पार्टी जाएगा उसको भी मारेंगे। तुम लोग जात कितना है, छोटा जाति नाव जात है, नाव जात का बुद्धि न रहता है, ऐसे बोली है। कब का मामला है? इसके बाद जो है थाना को फोन किया तो थाना बोलता है जो हम मनहा रहे हैं, बंदूक ले रहे हैं। इसमें एक छोटी लड़की बोली कि जब आप नहीं आइएगा तो हम एसपी को फोन करते हैं, बोला आ रहे हैं। उसको लाने का था एमडीएम, ले गया सदर हॉस्पिटल में। जो जो कारण लड़की बोली, जो जो घटना था मार मारा वो नहीं लिखा, थाना अपना मर्जी से लिख दिया। क्या नाम है इसको मार लगा? आ रहा है वो मारा है जिसको कौशल सिंह है, औरत जो है से गंगा देवी है, वो बेसहारा नारी है। भ्रष्टाचार उन्मूलन यज्ञ द्वारा समाज में भ्रष्टाचार और विकृतियों को दूर करने के लिए 18 जनवरी को एक दिवसीय आयोजन किया गया है। भ्रष्टाचार उन्मूलन यज्ञ के अध्यक्ष अवधेश पाठक ने कहा कि भ्रष्टाचार समाज में उत्पन्न विकृतियों को हल अकेली सरकार नहीं कर सकती, इसके लिए समाज के लोगों को भी सामने आना होगा। उन्होंने कहा कि 18 जनवरी को कदमा रंकनी मंदिर में एक दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को शामिल होकर आहुति देने का आग्रह भी किया गया है। आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इसका एक ही उद्देश्य है, 18 तारीख को रंकनी मंदिर के सामने वाले मैदान में एक दिवसीय एक यज्ञ का हम लोगों ने आयोजन किया है। यह यज्ञ सार्वजनिक है, सभी के लिए है। इसका उद्देश्य यही है कि आजकल हम जो देखते हैं कि समाज में बहुत प्रकार की विकृतियाँ फैल गई हैं, इसका समाधान केवल सरकारी तंत्र के द्वारा नहीं हो सकता। जब तक कि समाज के साथ न जुड़े और समाज के नैतिक और चरित्रवान बनाने के एक माध्यम यज्ञ भी है। अंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया ने मार्च में पेश होने वाले आम बजट में गरीबों और मध्यवर्गीय जनता को ध्यान में रखने की मांग की है। अंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया ने उपायुक्त से प्रधानमंत्री को स्मारक पत्र सौंपते हुए कहा है कि मार्च में वित्त मंत्री जो आम बजट पेश करेंगे उसमें गरीबों और जरूरतमंद वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जाए। उनका नेतृत्व सोनाराम मांझी कर रहे थे। 16 में जो बजट दे रहा है, बजट सद में जो पेश किया जाएगा उसका अनुरूप के लिए उसको अनुरूप लेकर जो है किस तरह का बजट होना चाहिए उसके संदर्भ में हम लोग राष्ट्रपति महोदय को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन क्या मांग कर रहे हैं। हम लोग करे होना चाहिए जो सर बजट में जो सब वर्गों को ख्याल रखा जाए, जैसे गरीबी अशिक्षा ये सब को दूर करते हुए वैसे आर्थिक और जो